हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में लोग का स्वागत है। आज के क्लास में लोग सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कंसोलिडेट ऑप्शन के बारे में। होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं और किस कंडीशन में किया जाता है। तो चलिए, इसको समझने के लिए हमने एक डाटाबेस बनाया है, उससे हम लोग एक एक करके समझते हैं। जैसे कंसोलिडेट जो फंक्शन है, जो ऑप्शन है, इसका यूज हमेशा उस कंडीशन में करते हैं जब दो या दो से अधिक सीटों को, ध्यान देना, जब दो या दो से अधिक सीटों के डाटा को एक सीट पे टोटल अमाउंट के साथ शो करके देखना हो, वहां पे इस्तेमाल हमेशा करते हैं कंसोलिडेट का। अब कहो सर, अगर मान लीजिए अब पहले सीट पे कोई डाटा हो, दूसरे सीट पे कोई डाटा हो, तो हम कॉपी पेस्ट करके तीसरे सीट पे ला सकते हैं, लेकिन वो डाटा अलग अलग पेस्ट होगा, एक पास नहीं होगा। प्लस पेस्ट करते समय जोड़ नहीं पाएगा वो, और रिजल्ट गलत हो जाएगा। लेकिन अगर मैं कंसोलिडेट की बात करूं, तो पहले सीट का डाटा, दूसरे का डाटा, तीसरे का डाटा, मतलब एक से ज्यादा जब सीट होता है और उस सीट के डाटा को किसी पार्टिकुलर सीट पे शो करके देखना हो, रिपोर्ट चेक करना हो, टोटल अमाउंट के साथ चेक करना हो, तो वहां पे सबसे ज्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए देखो, मैंने भी दो सीट पे डाटा बनाया है। यह जो डाटा है 2021 का डाटा है, और देखिए यहाँ पे इम्प्लाइयों का नेम है, और देखो जनवरी से लेके जून तक हमने डाटा बनाया है, और इन सबका टोटल अमाउंट यहाँ पे, मतलब जितने रुपए का इन्होंने बेचा है, जिस मंथ में बेचा है, सबका अमाउंट लिखा हूँ और टोटल अमाउंट यहाँ पे लिखा हूँ। क्लियर है सबको? उसके बाद ऐसा ही डाटा हमने दूसरे सीट पे भी बनाया है, लेकिन यह डाटा किसका है, 2022 का डाटा है। तो देखो यहाँ पे नेम है, और ये भी जनवरी से लेके कहाँ तक है, जून तक है, और इसका भी टोटल अमाउंट पे है। अब हम सोच रहे हैं 2021 वाला जनवरी का डाटा, 22 वाला जनवरी का डाटा, 23 वाला जनवरी का डाटा, ठीक है, अभी 23 आने वाला है ना अभी। चलिए तो 21 22 दोनों सीट के डाटा को हम एक सीट पे देखना चाहते हैं, किस पे, तीसरी सीट पे। तो एक तो तरीका, पहले पे जाते हैं तो पहले का हिसाब किताब पता चलता है, दूसरे पे जाते हैं तो दूसरे का पता चलता है। हम सोच रहे हैं एक ही बार में हम पता कर लें कि 2021 और 22 का टोटल अमाउंट कितने का सेल हुआ था, और एक जगह रिपोर्ट देख लें। तो वहां पे इस्तेमाल करते हैं कंसोलिडेटेड ऑप्शन का। कैसे करेंगे, तो आप लोग भी लैब में जाइए, तो कम से कम ऐसे दो डाटा बनाइएगा, दो सीट पे, या पहले सीट पे बना लीजिएगा, उसके बाद दूसरे सीट पे बना लीजिएगा। कोई जरूरी नहीं नाम हमेशा सेम हो, नाम एक दो डिफरेंट भी कर सकते हैं, सेम रहेगा तो ज्यादा बेटर तरीके समझ में आएगा। हाँ, मंथ आप लोग सेम कर दीजिएगा तो भी अच्छे से समझ में आएगा, अलग भी रहेगा तो वही अलग अलग डाटा आएगा, और सेम रहेगा तो कई सारे सीटों का डाटा एक सीट पे जोड़ के बताएगा, इसीलिए मैंने दोनों में सेम रखा है। अलग भी होगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अलग अलग बहुत बड़ा सा डाटा दिखेगा, ठीक है। अगर सेम रहेगा तो मैच करा के एक ही पास दिखेगा। चलो कैसे देखेंगे इसको हम बता रहे हैं। तो सबसे पहले आएंगे सीट 1 पे, और सीट 1 पे आने के बाद सीट 1 का जो टोटल अमाउंट, मतलब टोटल जो अमाउंट है, इसका पूरा प्लस कर लेंगे। कैसे करेंगे, इक्वल सम ब्रेकेट ओपन, और यहां से लेके यहां तक पूरा सेलेक्ट करके ब्रैकेट बंद कर दिया। तो 2021 का टोटल जो पैसा है वो 4,60,424 रुपया है। फिर समा जाते हैं सीट 2 पे, और 22 वाला डाटा देख लेते हैं, इक्वल सम ब्रैकेट ओपन नंबर, नंबर सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट को बंद कर देंगे, और देखिए आया है वैल्यू 2982 रुपया। क्लियर है? अब आएंगे तीसरे सीट पे, तीसरे सीट पे आने के बाद से हम करेंगे इक्वल, सीट 1 पे आ जाएंगे, टोटल अमाउंट को सेलेक्ट कर लेंगे, प्लस करेंगे। अब आएंगे सीट 2 पे, और उसके बाद से सीट 2 के जो टोटल अमाउंट है उसको सेलेक्ट कर लेंगे और इंटर बटन दबा देंगे। तो देखो पहली सीट का डाटा, दूसरी सीट का डाटा, तीसरे सीट पे बता दिया, 4,63,406 रुपया, ठीक है। अब देखिए पहले पे अगर हम कोई अमाउंट चेंज करते हैं, जैसे मान लो 5,000 है, और हमने यहाँ पे मान लीजिए कर दिया 6,000, तो देखिए यहाँ पे भी चेंज हुआ वैल्यू ना, वो वैल्यू यहाँ पे भी चेंज होगा। अब 63 से क्या हो गया है, 1,000 बढ़ गया ना, मतलब एक यहाँ पे तो क्या हो गया है, 64 हो गया, दिख रहा आपको। लेकिन बस टोटल अमाउंट हमें मतलब नहीं है, डाटा भी साथ में आई चाहिए, तो
डाटा भी साथ में चाहिए, इसके लिए आते हैं आप कंसोलिडेटेड का यूज करके दिखाते हैं। तो कहीं भी आप लोग क्लिक कर लेना और चले जाना डाटा टैब में। डाटा टैब में आने के बाद कंसोलिडेट, ठीक है, ध्यान देना डाटा टैब, यहीं पे ऑप्शन है डाटा वैलिडेशन के बाद कंसोलिडेट। डाटा वैलिडेशन पढ़ाया था ना, ये कंसोलिडेट पे क्लिक कर लेंगे। अब कंसोलिडेट पे क्लिक करने बाद पूछा जाता है फंक्शन, मतलब कंसोलिडेट में किस फंक्शन का यूज करना है आपको, तो मतलब जोड़ना है, तो उसमें कुछ टच नहीं करना, आ जाते हैं रिफरेंस में। रिफरेंस में आपसे पूछा जाता है किस रिफरेंस को इस शीट पे ऐड करना हो, वो रिफरेंस हमको बताइए, तो रिफरेंस पे क्लिक करके और आ जाएंगे शीट वन पे। और शीट वन पे सीरियल नंबर छोड़ के इम्प्लाई नेम से लेके और ये टोटल अमाउंट तक, नीचे वाला टोटल अमाउंट छोड़ देंगे, सेलेक्ट कर लेंगे और सेलेक्ट करके कर देंगे यहाँ पे ऐड, मतलब शीट वन को भी चेक करना हमको, मतलब ऐड करना किस पे, तीसरे पे। फिर से बैक स्पेस दबाएंगे और बैक स्पेस दबाने के बाद फिर से कहाँ आएंगे, ठीक है, शीट टू पे, और शीट टू के डाटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे और इसको भी ऐड कर देंगे। तो पहला दूसरा दोनों शीट का डाटा यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख नहीं रहा लेकिन यहाँ पे आ गया है। अब हमको चेक करना है, देखना है, इसके लिए देखो तीन ऑप्शन और आ रहा है। यूज लेबल इन, पहला ऑप्शन है टॉप रो, दूसरा ऑप्शन लेफ्ट कॉलम, तीसरा ऑप्शन क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा। क्या क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, इसका मतलब क्या है, जब हम लोग टॉप रो कर देते हैं तो टॉप रो पे क्या है बाबू, जो हेडिंग है एम्प्लॉई नेम जनवरी फरवरी, तो अगर टॉप रो पे अगर क्लिक नहीं करेंगे तो जनवरी फरवरी नहीं आएगा, ठीक है। लेफ्ट कॉलम, तो लेफ्ट कॉलम में जो मेन हेडिंग है क्या है, नेम है, राहुल रवि रमेश, अगर इस पे भी क्लिक नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। और उसके बाद लास्ट ऑप्शन है क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, अगर क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा पे क्लिक नहीं करेंगे तो पहले सीट पे कोई चेंज करेंगे तो भी तीसरे को नहीं पता चलेगा, दूसरे पे भी चेंज करेंगे तो तीसरे पे पता नहीं चलेगा। इसीलिए हमको क्या करना होता है, तीनों पे क्लिक करना होता है। अगर ना क्लिक करें तो क्या होगा, कुछ ऐसा डाटा आएगा, देख लो पता चले कौन सा डाटा है तुम्हारा ना, इसीलिए ऐसा हमको नहीं करना है। इसके लिए क्या करना, आपको कंसोलिडेट पे आना है, सीट तो हमारा ऐड है ही है, बस टॉप रो लेफ्ट कॉलम और क्रिएट लिंक टू सोर्स डाटा, आप कर देंगे ओके। समझा, अब देखिए हो क्या रहा है, इसको समझा दूं मैं आपको। देखिए जनवरी का डाटा एक पास जोड़ दिया, फरवरी वाला एक पास जोड़ दिया, मार्च वाला एक पास जोड़ दिया, कहो सर कहाँ जोड़ दिया, तो चलिए यहाँ पर देखो प्लस है ना, इसी प्लस पे क्लिक करेंगे देखो, और थोड़ा इसको बड़ा करते हैं थोड़ा सा, प्लस सर्विस का टोटल क्या बता रहा है 6050, तो देखो पहले सीट का डाटा था 6000 और दूसरे का कितना था 50, तो देखो 2021 और 22 का टोटल सर्विस में बेचा कितने का, जनवरी में 6050 रुपये, मार्च में बता दिया, अप्रैल में बता दिया, सब बता दिया। फिर से ऐसे सबका आ जाएगा, देखो सर्विस का, कृति का, ट्विंकल का, ज्ञानु का, ऐसे एक एक करके बात है आपको। अब देखो डाटा भी दिखने लगा और टोटल अमाउंट भी आ गया। अब चलो थोड़ा इसको छोटा करते हैं, इसको छोटा करते हैं। अब मान लो कोई कहे सर कैसे पता चलेगा 21 का और 22 का डाटा, कोई बात नहीं, इसको प्लस करिए और लिख दीजिए यहाँ पे 2021, यहाँ पे 2022, इसी को कॉपी करिए, पेस्ट करते जाइए प्लस करके जहां जहां डाटा है, समझ रहा है, जिसे कोई समझ जाएगा क्या बनाएंगे, बोलो सबका ऐसे कर लेंगे। ऐसे डिटेल चेक करके दिखाना है तो हाइड करना है तो हटाइए, सब एक ही बार अमाउंट क्यों चेक करी, हाइड हो गए। तो ये कंसोलिडेट का मतलब होता है, तो कोई क्वेश्चन पूछे आपसे दो सीटों के डाटा को एक सीट पे मर्ज करके देखना हो तो उसके लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे, तो जवाब देंगे कंसोलिडेट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। अब चलिए मैं दिखा रहा हूं आपको, पहले सीट पे आ रहा हूं और पहले सीट पे 6000 है ना, यहाँ पे हम कर देते हैं 7000, और दूसरे सीट पे जो 50 रुपये हम कर देते हैं 1000, तो टोटल वैल्यू आना चाहिए जनवरी में कितने का 8000, देखो अपने आप ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। आ रहा है,
तो पहले पे कुछ चेंजिंग करी, अच्छा दूसरे पे कुछ चेंजिंग करी, आप तीसरे पे शो करके दिखा सकते हो। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर देखो कब कर सकते हैं, जैसे मान लो हम पहले सीट पे डाटा बना रहे हैं, आज दूसरे सीट पे डाटा बना रहे हैं, और बाद में कोई आता चेंज कर देता है, तो हम कंसोलिडेट से इसको ऐड कर सकते हैं तीसरे सीट पे, और इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, और बाद में अगर आप आऊंगा फिर से कंसोलिडेट क्रिएट कर सकता हूँ, उसे चेक कर सकता हूँ कि पहले वाला बैलेंस क्या है और इस समय बैलेंस क्या है, ठीक है, ये भी हो सकता है। लेकिन एक्सेल में इसका यूज वही है कि आप दो सीटों के या दो से अधिक सीटों के डाटा को आप आसानी तरीके से मर्ज करके एक पास देख सकते हो, ठीक है, और ऐसा कंडीशन हमेशा आता है, कई जगह आप देखो तो सालों साल का रिकॉर्ड रहता है, जैसे 20 का, 21 का, या 2001 का, 2002 का, 3 का, 4 का, 5 का, सबका रहता है, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं हर जगह, जैसे मान लो स्कूल में आ गया, स्कूल में देखते हो डाटाबेस सबका रहता है, तो जाता है रिपोर्ट मिल जाता है आसानी तरीके से, तो ऐसे हम डाटाबेस हर जगह हर साल का बनाते गए, और हम सोच रहे हैं आज तक का पूरा डाटा एक सीट पे थोड़ा मर्ज करके देख ले, तो आप इस्तेमाल करते हैं कंसोलिडेट ऑप्शन का, कंसोलिडेट फंक्शन, ठीक है, बोलो नहीं ठीक है, चलिए इसके लिए।